राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे के बारे में। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर घर में आपको तुलसी का पौधा मिलेगा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। साथ ही साथ तुलसी की जो पत्ती होती है उसके बिना तो ठाकुर जी का भोग ही नहीं लगता। इसका वैज्ञानिक महत्व भी बहुत होता है और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है और हर घर की स्त्री तुलसी के पौधे की सेवा करती है और जल अर्पण करती है, पूजा अर्चना करती है, संध्या में दीपक जलाती है, धूप बत्ती करती है। तो इस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की बहुत महत्वता है, आध्यात्मिक तौर पर भी और वैज्ञानिक तौर पर भी। इसमें जो तुलसी के पौधे होते हैं बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं इसमें। अगर किसी भी व्यक्ति को सर्दी खांसी जुखाम हो जाती है तो हम तुलसी की जो पत्ती खाते हैं वो बहुत ही ज्यादा फायदा करती है। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि तुलसी के पौधे पर आपने एक चीज देखी होगी कि जब तुलसी के पौधे के ऊपर बहुत सारी मंजरी इकट्ठी हो जाती है, उस मंजरी का हमें क्या करना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे हैं, और जब तुलसी के पौधे में ढेर सारी मंजरी इकट्ठी हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। तो आज की ये वीडियो है मंजरी के ऊपर ही है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और उस पर ढेर सारी मंजरी इकट्ठी हो गई है, उग आई है, तो आपको क्या करना है। देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने के साथ ही तुलसी के कई औषधीय गुण भी होते हैं। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है। कई बार आपने देखा होगा कि तुलसी पर जरूरत से ज्यादा मंजरी उगाती है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जब भी तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका अर्थ है कि तुलसी दुखी है। यानी जब मंजरी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम मानते हैं कि तुलसी माता दुखी है। उसको हम उनके दुख को हम कैसे दूर करें। मंजरी हटाने पर पौधे का अच्छे से विकास होता है। तुलसी को हरा भरा बनाए रखने के लिए हमें उसकी मंजरी को हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उन जो तुलसी माता का कष्ट है वो कम होता है, साथ ही साथ हमारा जीवन भी सुखमय बनता है। अब बात करते हैं कि भगवान शिव को तुलसी कैसे चढ़ाया जाता है और जो मंजरी होती है भगवान शिव को चढ़ाने से उसका क्या फल मिलता है, क्या फायदे होते हैं। देखिए, भगवान शिव और भगवान गणेश पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ ठाकुर जी के भोग में तुलसी की पत्ती डालकर भोग लगाया जाता है, लेकिन शिव परिवार को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, तुलसी का भोग उनको नहीं लगाया जाता है। लेकिन भगवान शिव और भगवान गणेश पर हम मंजरी चढ़ा सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से जो आपका परिवार है उसमें सुख समृद्धि आएगी। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है या किसी भी प्रकार का कार्य बन नहीं रहा तो भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके घर के जो भी कार्य है वो बनेंगे। किसी भी प्रकार को कोई कष्ट है या बहुत लंबे समय से आपका कोई कार्य नहीं हो रहा तो वो कार्य भी आपका पूर्ण होगा। अब बात करते हैं कि देखिए, गंगा जल में मंजरी मिलाने से क्या होता है। आपके घर में गंगा जल है तो आप उसमें भी मंजरी मिला सकती हैं। तुलसी की मंजरी घर से नेगेटिविटी मिटाने में भी बेहद कारगर होती है। इसके लिए किसी भी दिन शुभ मुहूर्त को देखकर गंगा जल में तुलसी की मंजरी को मिलाकर उसे अपने घर में रख लें और हफ्ते में दो दिन इसे अपने घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिविटी बिल्कुल दूर चली जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आ गई है और आप परेशान हैं, घर में सब अशुभ अशुभ हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं कि गंगा जल में मंजरी डालकर आप उसका छिड़काव पूरे घर में कर सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखती हैं। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में बरकत बनी रहेगी। इसकी मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो एक लाल कपड़े में मंजरी को बांधकर आप तिजोरी वाली जगह पर रख सकती हैं, मंदिर में रख सकते हैं
और जो भी अच्छी जगह है वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। अब बात करते हैं कि यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उसमें किस तरीके से तुलसी फायदेमंद है। देखिए, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता, वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। यदि आप मंजरी को भगवान शिव या भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो आपको इस जीवन चक्र से छुटकारा मिल जाएगा और साक्षात आपको भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी को यदि मंजरी अर्पित करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। देखिए, प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप तुलसी की मंजरी को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो सभी मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं और मंजरी को लक्ष्मी का रूप और कारक माना गया है, इसलिए आप माता लक्ष्मी पर भी मंजरी को चढ़ा सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सफल रहेगा, आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो जाएंगे, आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा और किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने मंजरी के बारे में बताया कि आपके घर में तुलसी है और उस पर ढेर सारी मंजरी उगाई है तो आप क्या कर सकती हैं। देखिए, ये एक तरीके से तुलसी माता के ऊपर भार होता है, वो कष्ट में होती हैं और यदि हम उनके कष्ट को दूर करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन में खुशहाली आती है, माता प्रसन्न होती हैं और हमारे कष्ट मिट जाते हैं। प्यारे मित्रों, साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि आप भगवान शिव और गणेश पर मंजरी को चढ़ा सकते हैं, तुलसी दल को नहीं चढ़ाना है, क्योंकि हम जो मंजरी चढ़ाते हैं उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें शिव परिवार की जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है, लेकिन तुलसी दल उनको नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि तुलसी दल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए तो बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप मंजरी को भगवान शिव परिवार पर चढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो प्यारे मित्रों, यदि आपके घर में भी तुलसी लगी हुई है और आपको ऐसा लग रहा है कि तुलसी माता पर बहुत सारी मंजरी इकट्ठी हो गई है तो उसको तोड़ लें और आप भगवान पर चढ़ा सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप उस मंजरी को तोड़कर मिट्टी के किसी भी गमले में डाल सकते हैं तो उससे नई तुलसी के पौधे उगाएंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने तुलसी के मंजरी के बारे में बताया, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।